दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज है 25 सितंबर, एक बार फिर से हम आपके लिए 7 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जहाँ दोस्तों ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 8वीं 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा और भी अन्य योग्यताओं से आप अप्लाई कर सकते हो। इंडियन नेवी, SSC, DRDO, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग और विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो जो कि आउट हो चुके हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 7 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में। जहाँ दोस्तों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें अमीन की, वेरियस वैकेंसीज है। सैलरी 21,700 से 69,100 लेवल 3 के अंतर्गत पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष मेल के लिए और 18 से 40 वर्ष फीमेल के लिए है। जनरल EWS BC कैंडिडेट्स के लिए ₹700 आवेदन शुल्क है। SC ST PWD वोमेन के लिए ₹350 शुल्क है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन या फिर ई चालान से ऑफलाइन भी कर सकते हो। सिलेक्शन होगा शॉर्ट लिस्टिंग और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से मेल हो या फिर फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। bcecboard.bihar.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे 30 सितंबर 2020 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 31 अक्टूबर 2020 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 31 अक्टूबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, स्टेशन फायर ऑफिसर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, टेक्नीशियन, स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टोर कीपर, स्टेनोटाइपिस्ट, इंस्पेक्टर होटल्स, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर कैमरामैन, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, कुक, असिस्टेंट मैनेजर, सेल्समैन, वर्कशॉप स्ट्रक्चर, जूनियर ड्राफ्टमैन, क्लर्क, जूनियर ऑफिसर स्टेनोटाइपिस्ट ट्रेनी, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, बैंड्समैन कम गार्ड्समैन, कंपनी कमांडर और स्टोरर की। जी हाँ दोस्तों, 1661 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सैलरी 5,910 से 20,200, 6,400 से 20,200 और 10,300 से 34,800 अलग अलग पोस्ट के लिए। 10वीं 12वीं ITI डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है। जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए ₹360 शुल्क है। रिजर्व कैटेगरी जो अदर स्टेट के है ₹360 है। जनरल EX सर्विसमैन रिटायर्ड के लिए भी ₹360 है। SC ST OBC BPL वार्ड ऑफ EX सर्विसमैन और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए ₹120 है। EX सर्विसमैन ब्लाइंड विजुअली एम्पायर्ड के लिए कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। फीमेल को भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। HP हिमाचल प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। hp.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन कल से स्टार्ट होंगे। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 26 सितंबर 2020 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 25 अक्टूबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन नेवी में। भारतीय नौसेना के अंतर्गत 10+2 BTEC कैडेट एंट्री स्कीम के माध्यम से भर्ती की जाएगी। वेरियस वैकेंसीज है, सैलरी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। आयु की अगर बात की जाए तो 2 जुलाई 2001 से 1 जनवरी 2004 के बीच में जन्म होना चाहिए, ये दोनों दिन भी इसमें जोड़े जाएंगे। शुल्क आपको जमा नहीं करना होगा। बिना एग्जाम की भर्ती है, SSB इंटरव्यू से चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ज्वाइन इंडियन नेवी .gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे 6 अक्टूबर 2020 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 20 अक्टूबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की वेरियस वैकेंसी है। सेली ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 है, टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8,000 है। डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। DRDO रूल के अकॉर्डिंग आयु सीमा तय की जाएगी। शुल्क आपको जमा नहीं करना होगा। बिना एग्जाम की भर्ती है, इंटरव्यू से चयन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। मैसूर कर्नाटक जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो। DRDO.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 14 अक्टूबर 2020 है। वॉकिन इंटरव्यू की डेट 13 नवंबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इरिगेशन डिपार्टमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यानी कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग और सिंचाई विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। जहाँ दोस्तों इरिगेशन डिपार्टमेंट और PHDD डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है इसमें असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की 637 वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर के लिए सैलरी 14,000 से 60,500 है प्लस ग्रेड पे 8,700। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 30,000 से 1,10,000 सैलरी प्लस ग्रेड पे यहाँ पर 12,700 है। डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा जूनियर इंजीनियर के लिए मिनिमम 18 है और यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए मिनिमम 21 है। मैक्सिमम बोथ के लिए 38 वर्ष है। जनरल या EWS के लिए ₹250 शुल्क है। SC ST OBC MOBC के लिए ₹150 है। BPL कैंडिडेट्स को शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप ट्रेजरी चालान से कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है। APSC.NIC.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। लास्ट डेट की बात की जाए तो एक्सटेंडेड कर दी गई है। जो पहले 22 सितंबर थी उसको बढ़ाकर अब 12 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की 4,648 वैकेंसीज है। सैलरी 57,700 पर माह के लिए लेवल 10 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट से आप अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटी रूल के अकॉर्डिंग आयु सीमा तय की जाएगी। शुल्क की जानकारी भी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। BHUSC.bihar.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन कर सकते हो। जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 23 सितंबर 2020 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 2 नवंबर 2020 है। ऑनलाइन फॉर्म की आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी जिसकी लास्ट डेट 24 नवंबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 7th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल हेल्थ मिशन में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है इसमें स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, रेडियोलॉजिस्ट और मेडिकल ऑफिसर की 357 वैकेंसीज है। सैलरी स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए 1,05,000 है, रेडियोलॉजिस्ट के लिए 1,50,000 है, मेडिकल ऑफिसर के लिए 63,000 पर माह के लिए है। MBBS डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 67 वर्ष आयु सीमा है। शुल्क की जानकारी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। बिना एग्जाम की भर्ती है, मेरिट से चयन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। झारखंड जॉब लोकेशन है। JRHMS.jharkhand.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 5 अक्टूबर 2020 है। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि 25 सितंबर 2020 की टॉप 7 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।